पूर्व आईएएस राम वर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि बंसीलाल रात के 2 बजे तक जागते थे। जब तक वो अपने हर विधायक के बारे में खबर नहीं ले लेते थे, तब तक वो चैन से नहीं सोते थे। गौरतलब है कि हरियाणा में वो दौर आया राम और गया राम का था। राम वर्मा बताते हैं कि बंसीलाल की एक आदत थी, वो अपने विरोधी खेमों की हर बात पर नजर रखते थे। उनके बारे में कोई क्या कह रहा है वो जरूर पता करते थे। एक बार राम वर्मा और भगवत दयाल शर्मा चुनाव के बारे में कहीं बात कर रहे थे। भगवत दयाल ने उन्हें देवीलाल और बंसीलाल के संबंध में कुछ कहा। जब चुनाव खत्म हुए और बंसीलाल एमएलए बने तो उन्होंने राम वर्मा से पूछा कि उस दिन क्या बात हो रही थी। इस सवाल पर राम वर्मा झेंप गए। बाद में उन्हें याद आया कि उस दिन रेस्तरा में एक वेटर भी था। इस घटना के बाद वर्मा का तबादला दिल्ली हो गया। राम वर्मा बताते हैं कि बंसीलाल ना ही कट्टर धार्मिक थे और ना ही नास्तिक, वो एक आर्य समाजी थे। अपने बेटे सुरेंद्र की शादी में भी खुद नहीं गए बल्कि कुछ गिने चुने लोगों को ही भेजा। बंसीलाल गांधी परिवार के प्रति पूर्णतया वफादार थे। संजय गांधी से उनकी दोस्ती मशहूर थी। संजय गांधी को हरियाणा के गुड़गांव गुरुग्राम में मारुति फैक्ट्री के लिए 290 एकड़ जमीन दिलवाने में बंसीलाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस वक्त इस जमीन का मोल 35,000 प्रति एकड़ था, लेकिन संजय को यह जमीन 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से दिलवाई गई। बाद में राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को काफी उठाया भी था। इतना ही नहीं, बंसीलाल के बारे में एक और जिक्र बी के नेहरू की एक किताब में मिलता है, जब उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना देने की बात कही।